सब्सक्राइब कीजिए प्रिंस क्लासेज के यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि जैसे ही मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसकी सूचना तुरंत आपको मिले। आज आपके प्रश्नावली 10.2 सवाल नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। यहाँ लिखा है निम्न व्यंजकों के गुणनखंड कीजिए। ये व्यंजक कह रखे, इनके क्या करने हैं आपको? वही टुकड़े करने जो पहले करते थे। आप देखो यहाँ पर कितने पद हैं? 3। जब भी 3 पद आ जाए और यहाँ पर सबसे बड़ी घात कितनी है, इसलिए इसे बोलते हैं द्विघात बहुपद। क्या बोलते हैं? अगले साल 9th में पढ़ोगे द्विघात बहुपद के बारे में, ठीक है ना। अब देखो इसके जो गुणनखंड करने हैं वो आपको कैसे करने हैं, वो आप करना है सबसे पहले पहली संख्या इंटू तीसरी संख्या। क्या करना है? पहली संख्या इंटू तीसरी संख्या। पहली संख्या कितनी? एक्स स्क्वायर। तीसरी संख्या कितनी? 6। दोनों को गुणा करोगे तो 6x2 कितना आता है? 6x2 आगे 6x2। अब ये करना है रफ में, करना है ये काम। इसमें करना है रफ में। अब देखो करना क्या होगा, बीज की संख्या के ऐसे टुकड़े करेंगे, बीज की संख्या के ऐसे टुकड़े करो कि जोड़ने या घटाने पर तो बीज की संख्या ही आए। टुकड़े किसके करेंगे? 5x। टुकड़ों को जोड़ो या टुकड़ों को घटाओ तो वापस कितना आना चाहिए? और टुकड़ों को गुणा करो तो कितना आना चाहिए? 6x2 कितना आना चाहिए? 6x2। आप देखो टुकड़े करने के लिए क्या करना है, जो आपने पहली संख्या इंटू तीसरी संख्या की उसमें किस किस का पहाड़ा, किस किस का भाग जाता है वो देखना है, वो किस किस के पहाड़े में आती है। देखो 6 में किसका भाग जाता है? 1 का भी जाता है और 2 का भी जाता है और 3 का भी जाता है और 6 का भी जाता है। 4 का तो कहाँ से जाएगा? 1 का भी जाता है 6 में भाग, 2 का भी जाता है, 3 का भी जाता है और 6 का भी। अब इनमें ऐसे टुकड़े ढूंढो, चारों में टुकड़े कितने होंगे? 2। कितने होंगे? 2। ऐसे टुकड़े ढूंढो कि उन टुकड़ों को जोड़ने पर तो 5 आ जाए। कितने आ जाए? 5। और उन टुकड़ों को गुणा करने पर 6 आ जाए। कितना आ जाए? 6। बताओ यहाँ क्या है? 2, 3। देखो यहाँ पर 2 और 3। 2 को 3 में जोड़ोगे कितने आ जाएगा? 5। और 2 को 3 से गुणा करोगे तो 6। कितने टुकड़े हुए? 2 और 3 यही हुए। अब देखो अगर यहाँ चिन्ह प्लस का है, यहाँ चिन्ह किसका है? प्लस का। तो दोनों टुकड़े होंगे या तो दोनों होंगे प्लस के या दोनों होंगे माइनस के। यहाँ चिन्ह किसका आ जाए? प्लस का। दोनों टुकड़े या तो होंगे प्लस के या दोनों टुकड़े होंगे माइनस के। अगर यहाँ चिन्ह माइनस का आ जाए, जैसे यहाँ आ रहा है माइनस का आ जाए, एक टुकड़ा तो होगा प्लस का और एक टुकड़ा होगा माइनस का। अब यहाँ चिन्ह किसका है? प्लस का। और यहाँ भी किसका है? प्लस का। दोनों टुकड़े किसके होंगे? प्लस के। अब देखो 5 के टुकड़े क्या बने? 2 और 3। देखो x2 का तो x2 प्लस, अब देखो 5 को तोड़ा तो एक तो टूटा 2x में और एक टूटा 3x में। देखो 2x और 3x कितने हो जाएंगे? 5x। और 2 को 3 से गुणा करोगे तो 6x2 आ जाएगा। आगे सुनिए, और पीछे प्लस कितना है? 6। हो गया। अब क्या करना है? अब बनाने समूह। क्या बनाने? समूह मतलब जोड़े बनाने। जैसे समूहन विधि से क्या था ना, जोड़े बनाने दो दो के। कितने कितने के? दो दो के। एक जोड़ा तो ये बन गया और एक जोड़ा ये बन गया ना, दो का जोड़ा तो ये और दो का जोड़ा ये। बताओ बेटा इस जोड़े में क्या चीज समान है? एक्स। दोनों में एक्स है, मतलब दोनों में किसका भाग जा रहा है? एक्स का भाग जा रहा है। एक्स ले लेंगे कॉमन। क्या ले लेंगे? कॉमन। अब देखो एक्स का भाग एक्स स्क्वायर में दिया, एक्स से एक्स कट गया, क्या बचा? एक्स। प्लस है तो प्लस। एक्स का भाग दो एक्स में देंगे, एक्स से एक्स कट गया, क्या बचा? दो। आ गया। अब प्लस है तो प्लस। बताओ इन दोनों में क्या समान है? किसका भाग जा रहा है? तीन का। तीन का जा रहा है, तो ये 3 आ गया कॉमन। आ गया। देखो 3 का भाग इसमें देंगे तो 3 से तो 3 कट गया, क्या बचा? एक्स। प्लस है तो प्लस। 3 का भाग 6 में दो बार। कितनी बार? दो बार। देखो ये दोनों समान आ गए ना। अगर ये दोनों समान आए तो समझ लेना तुम्हारा उत्तर सही है, मतलब आपने जो ऊपर किया है वो सही है। अन्यथा अगर ये दोनों समान नहीं आए तो समझ लेना आपने जो किया है वो गलत है। समान आ गए ना। अब इन दोनों में से एक ले लो, दोनों में से एक डिब्बा ले लो, क्या आ जाएगा? 1+2 आ गया। और एक बनाएंगे ये बाहर से, क्या जाएगा? x+3। ये आ गया आपके आंसर। इन दोनों को गुणा करोगे तुम लोग तो वापस से आपके यही चीज आएगी। आगे समझे, ये इसके गुणनखंड हो गए।
अब जैसे दूसरा, अगर कम समझ में आया हो तो दूसरा, सबसे पहला काम पहली संख्या इंटू तीसरी संख्या, पहली संख्या इंटू तीसरी, और ये काम कहाँ करना है आपको, रफ में, कहाँ करना है रफ में। पहली संख्या क्या है क्यू स्क्वायर, तीसरी संख्या क्या है चौबीस, यही है। अब क्या हो गया ये चौबीस क्यू स्क्वायर हो गया, टुकड़े किसके करेंगे 11 के, 20 की संख्या के करने, ठीक है। टुकड़े ऐसे हो कि जोड़ने घटाने पर तो कितने आए 11, और उन टुकड़ों को गुणा करने पर कितना आए 24, ये आए। अब बताओ बेटा 24 में किस किस का भाग जाता है वो लिख लेंगे यहाँ पर, एक का भी जाता है, दो का भी जाता है, तीन का भी जाता है, चार का भी जाता है, पांच का नहीं जाता, छह का छठों के जो जाता है, सात का नहीं जाता, आठ का जाता है, आठ दिया चौबीस जाता है, नौ का नहीं, दस का ग्यारह का बारह का तेरह का बारह के बाद तो जाएगा ही नहीं, तेरह दूनी छब्बीस है ना, चौदह अट्ठाईस, फिर डाइट किसका जाएगा चौबीस का, सबका भाग जाता है। अब इन सब में बताओ ढूंढो ऐसी संख्या कि उसको गुणा करने पर तो आ जाए चौबीस और जोड़ने पर कितना आ जाए 11, बताओ क्या है, तीन और आठ, देखो तीन में आठ जोड़ोगे कितना हो जाएगा 11, और तीन को आठ से गुणा करोगे कितना हो जाएगा चौबीस, टुकड़े क्या मिले, एक तो तीन मिला और एक आठ मिला, मिल गया ना, समझ में आ रही है बात है। अब बताओ यहाँ चिन्ह किसका है, प्लस का, दोनों टुकड़े किसके आएंगे प्लस के, यहाँ भी प्लस है, दोनों टुकड़े किसके आएंगे प्लस, मतलब ये चिन्ह ये बताता है हमें कि आपके जो टुकड़े होंगे वो प्लस के होंगे या माइनस के होंगे। आगे सुनिए, एक क्यू स्क्वायर का तो क्यू स्क्वायर 11 को तोड़ा, एक तो क्या बना 3x, एक क्या बना 8x, देखो 3x और 8x कितने हो गए 11, और प्लस का कितना है चौबीस, अब बनाएंगे दो दो के जोड़े, कितने कितने के दो दो के, एक जोड़ा तो बन गया ये और एक जोड़ा बन गया ये, देखो यहाँ x नहीं है, यहाँ पर क्या है क्यू, क्या रहेगा आपके क्यू ही रहेगा, 3q और 8q कितने हो गए 11 है। आगे सुनिए, अब बताओ इन दोनों में किसका भाग जा रहा है क्यू का, क्यू का जा रहा है ना, क्यू क्या आ गया कॉमन, क्या गया क्यू का भाग इसमें दिया, क्या बचा क्यू बचा, प्लस है तो प्लस, क्यू से क्यू कट गया क्या बचा तीन आ गया, और प्लस है तो प्लस, बताओ इन दोनों में क्या किसका भाग जा रहा है आठ का, किसका जा रहा है, बड़ी से बड़ी संख्या देना है, जैसे दो का भी जाता है चार का भी जाता है, बड़ी से बड़ी संख्या देखनी है, आठ है, आठ का भाग जाता है, अब देखो आठ से आठ कट गया क्या बचा क्यू, प्लस है तो प्लस, अब यहाँ देखो आठ का भाग चौबीस में कितनी बार, तीन बार, आठ दिया चौबीस, ये दोनों डिब्बे समान आने चाहिए, आगे समान आगे, तो दोनों में से एक ले लो कॉमन ले लो या ऐसे बाहर निकाल लो, क्यू प्लस कितना तीन, और एक ये बार वाला कितना है क्यू प्लस, ये आगे आपके आंसर, ये काम आपको रफ में करना है, ठीक है ना, समझ में आ रही बात है। अब देखो जैसे कि ये अगला सवाल है आपके, अब इसमें देखो सबसे पहला काम पहली संख्या इंटू तीसरी संख्या, सबसे पहला काम क्या है पहली संख्या इंटू तीसरी संख्या, बताओ पहली संख्या इंटू तीसरी संख्या, पहली संख्या कितनी एन स्क्वायर, तीसरी संख्या कितनी इक्कीस, गुणा करने पर क्या आया 21 एम स्क्वायर, कितना आया 21 एम स्क्वायर, टुकड़े किसके करोगे माइनस 10 के, जोड़ने घटाने पर तो कितना आना चाहिए 10, गुणा करने पर कितना 21, अब देखेंगे 21 में किस किस का भाग जाता है ना, एक का जाता है, एक का तो सब में जाता है, ठीक है ना, दो का जाता है क्या, दो का नहीं जाता है ना, तीन का जाता है, चार का नहीं, पांच का नहीं, छह का नहीं, सात का जाता है, आठ का आठ दिया चौबीस नहीं, नौ का नहीं, दस का नहीं, ग्यारह का नहीं, बारह का नहीं, अब ग्यारह किसका जाएगा तीस का, अब जा गया, अब ढूंढो कि जोड़ने घटाने पर तो आने चाहिए 10 और गुणा करने पर आने चाहिए 21, बताओ क्या है, तीन और सात हो गए, सात तीया इक्कीस, यहाँ चिन्ह किसका है प्लस का, दोनों टुकड़े होंगे या तो प्लस के या होंगे माइनस के, यहाँ चिन्ह किसका है माइनस का, दोनों ही किसके होंगे माइनस के, किसके होंगे माइनस के, करो टुकड़े एम स्क्वायर का तो एम स्क्वायर माइनस का, इसका टुकड़ा एक तो हुआ 3m और एक हुआ 7m, माइनस का 3 और माइनस का 7 क्या हो जाएगा माइनस का 10,
और 3 को 7 से गुणा करो कितना जाएगा 21 एम स्क्वायर प्लस है तो प्लस 21 का 21 अब बनाएंगे दो दो के जोड़े कितने कितने के दो दो के एक जोड़ा तो बन गया ये और एक जोड़ा बन गया ये बताओ जोड़े में क्या समान है m क्या समान है m m का भाग इसमें दे क्या बचा m एक m कट गया एक बचा माइनस है तो माइनस m से m कट गया क्या बचा अब बताओ इन दोनों में क्या कॉमन है सात इसका भाग जा रहा है सात का माइनस है तो माइनस सात का सात चिन्हों का भी आपको ध्यान रखना है माइनस माइनस गुणाओं क्या हो गया प्लस माइनस माइनस भाग देके क्या हो गया प्लस अब सात का सात कट गया क्या बचा एम माइनस प्लस माइनस माइनस को प्लस में भाग देंगे तो क्या आएगा माइनस सात का भाग 21 में दोनों डिब्बे समान आ गए हाँ एक ले लो दोनों में से m माइनस कितना 3 और एक है बार वाला m माइनस कितना 7 ये आ गया आपका आंसर आगे सुनिए अब देखो ये वाला अगला यहाँ पे भी आपको वही करना है पहली संख्या इंटू तीसरी संख्या क्या करना है पहली संख्या इंटू तीसरी संख्या देखो मैं यहाँ कर देता हूँ पहली संख्या इंटू तीसरी संख्या पहली संख्या क्या है एक्स स्क्वायर तीसरी संख्या है माइनस का 16 तो गुणा करो क्या आएगा माइनस का 16 एक्स स्क्वायर ये आएगा टुकड़े किसके करेंगे 6 के जोड़ने घटाने पर कितना है 6 और गुणा करने पर कितना है देखो ध्यान दो हो गया अब यहाँ वही देखेंगे पहले जो देख रहे थे कहते हैं 16 के टुकड़े करेंगे मतलब किस किस का भाग जाता है एक का जाता है सब में जाता है दो का भी जाता है तीन का नहीं जाता चार का जाता है पांच का नहीं छह का सात का नहीं आठ का नौ का नहीं गाइड किसका जाएगा 16 का अब बताओ चुनो टुकड़े यहाँ चिन्ह किसका है चिन्ह किसका है माइनस का एक जो टुकड़े होंगे एक तो होगा प्लस का और एक होगा माइनस का बताओ क्या होंगे आठ और दो आठ दुनी 16 आठ में से दो घटाएगी तो 6 सही है ना अब यहाँ चिन्ह किसका है प्लस बड़ा टुकड़ा होगा बड़ा टुकड़ा तो होगा प्लस का और छोटा टुकड़ा होगा माइनस का समझ गए ना एक्स स्क्वायर का तो एक्स स्क्वायर अब एक तो होगा माइनस का 2x और एक होगा प्लस का 8x देखो 8 में से 2 घटाए कितना 6 8 को 2 से गुणा करेंगे तो 16 आ गया माइनस के कितना है पीछे 16 अब बढ़ाएंगे 2-2 के जोड़े बन गए बता बेटा इसमें क्या किसका भाग जाएगा एक्स का एक एक्स बचा एक्स का भाग इसमें दिया दो माइनस है तो माइनस कट गया क्या बचा दो बताओ इन दोनों में क्या कॉमन है प्लस का क्या कॉमन है 8 8 कट गया एक्स क्या बचा माइनस है तो माइनस 8 का भाग 16 में दो आगे सुनिए दोनों समान आगे एक ले लो एक्स माइनस दो और एक ये बार वाला एक्स प्लस ये आ गया आपका आंसर मतलब ये जो एक लेते हैं अपन कॉमन आता है कॉमन आ गया इसका भाग इसमें देंगे क्या बचा एक्स इसका भाग इसमें देंगे क्या बचा आगे सुनिए अब देखो अगला सबसे पहला काम दीर्घा जैसे घात 2 आ जाए 3 पद आ जाए ना पहली संख्या इंटू तीसरी संख्या पहली संख्या इंटू तीसरी संख्या पहली संख्या एक्स स्क्वायर तीसरी संख्या माइनस का 18 गुणा करो माइनस का 18 एक्स स्क्वायर ये आया टुकड़े किसके होंगे 7 के जोड़ने घटाने पर कितना है 7 और गुणा करने पर 18 यहाँ चिन्ह किसका है माइनस का एक टुकड़ा होगा प्लस का और एक टुकड़ा होगा माइनस का अब देखो चेक करते हो 18 में किस किस का भाग जाता है एक का एक का जाता है दो का तीन का चार का पांच का छह का सात का नौ का जाता है दस का जाएगा नहीं अब डायरेक्ट किसका जाएगा अब बताओ छह का भी जा रहा है हाँ पांच और छह का भी जाता है 36 18 जाता है ना अब बताओ टुकड़े नौ दुनी नौ में से दो घटाओगे तो यहाँ चिन्ह किसका है माइनस का बड़ा टुकड़ा तो होगा माइनस का और छोटा टुकड़ा होगा प्लस का अब देखो एक्स स्क्वायर का तो एक्स स्क्वायर एक तो टुकड़ा है माइनस का 2x और एक प्लस का 9x देखो 9 में से
बड़ा तो माइनस, ये छोटा तो किसका होगा प्लस का, बड़ा किसका होगा माइनस का। देखो ये माइनस का नो एक्स और प्लस का क्या हो गया दो एक्स, नो एक्स में से दो एक्स घटाओ कितना बचेगा और नौ को दो से गुणा करोगे तो अठारह और पीछे क्या है माइनस का अठारह। अब बनाएंगे दो दो के जोड़े, एक जोड़ा तो ये बन गया और एक जोड़ा ये बन गया। बताओ ये जोड़े में क्या समान है, एक्स आ गया कौन, धीरे बोलो, एक्स एक कट गया क्या बचा एक्स, माइनस है तो नौ का भाग क्या बचा, मतलब एक्स का भाग उसमें एक्स एक्स कट गया क्या बचा नौ। अब बताओ इन दोनों में क्या कॉमन है, दो आ गया, दो से दो कट गया क्या बचा माइनस है तो दो का भाग इसमें नौ भाग नौ दिन अठारह। आगे दोनों डिफरेंस, जैसे दोनों समान आए दोनों में से एक लेना है, कौन सा एक्स माइनस नौ और एक ये बार वाला कौन सा एक्स प्लस दो। आगे सुन में क्या आगे आपके आंसर, अभी लास्ट आप देखो लास्ट के अभी वो सवाल है, पहले इसको देखो, ये भाई आप पहली संख्या इंटू तीसरी संख्या, पहली संख्या इंटू तीसरी संख्या, पहली संख्या क्या है के स्क्वायर, तीसरी संख्या क्या है माइनस का, गुणा करो माइनस का 102 के स्क्वायर यही है। अब बताओ टुकड़े किसके करेंगे 11 के, जोड़ने घटाने पर कितने आए 11 और गुणा करने पर कितना आए 102 आए। अब 102 में देखें किस किस का पहाड़े में आता है 102, बताओ किसके में आता है, एक के में आता है, आता है एक का पहाड़ा समझ आता है, दो का भी और तीन का, तीन का भी जाएगा, देखो तीन दिया नौ, एक बच गया हो गया बारह, चार दिया बारह, चार का, चार का चार दुनिया आठ नहीं जाएगा, पांच का नहीं जाएगा, छह का जाएगा, छह एकम छह सात छह 42, सात का नहीं जाएगा, आठ का नहीं जाएगा, नौ का नहीं जाएगा, दस का नहीं जाएगा, ग्यारह का नहीं जाएगा, बारह का नहीं जाएगा, तेरह का भी नहीं जाएगा, चौदह का नहीं जाएगा। या फिर ऐसा करो जैसे मान लो कि नंबर बड़ा आ गया, जैसे छोटी नंबर में तो आपने पहाड़े दे दे के बाद निकाले जोड़े, अगर नंबर बड़ा आ गया तो फिर ऐसा करो ऐसे बढ़ाओ फोर में, 102 में किसका भाग जाएगा कितनी बार 51 बार, आधा कर लो उसका। अब फिर इसमें किसका जाएगा तीन का, तीन एकम तीन कितना बच गया दो एकम, सात तीन अब इसमें किसका जाएगा 17 का कितनी बार एक बार हो गया। अब टुकड़े केवल कितने बढ़ेंगे दो, कितने बढ़ेंगे दो, यहाँ इन दोनों को मिला लेंगे, तीन दुनी छह, तीन दुनी छह, अब देखो 17 को 6 से गुणा करो, 17 × 6 = 102, 17 में से 6 घटाओ कितने बच गए 11, तो टुकड़ा क्या बना 17 और 6, क्या बना 17 और 6, समझ में आ गया ना, ऐसे बना लो, मान लो ऐसे छोटी संख्या में तुमने पहाड़ा बोल लिया तो बड़ी संख्या में कहाँ तक पहाड़ा बोले ऐसे बना लो, तो टुकड़े क्या हुए 17 और 6, यहाँ चिन्ह किसका है माइनस का, दोनों टुकड़े यहाँ तो होंगे, एक टुकड़ा तो होगा प्लस का और एक टुकड़ा होगा माइनस का, यहाँ चिन्ह किसका है माइनस का, बड़ा टुकड़ा तो होगा माइनस का और छोटा टुकड़ा होगा प्लस का, ये होगा। अब देखो के स्क्वायर का तो के स्क्वायर माइनस का, बड़ा टुकड़ा कितना 17 के और छोटा टुकड़ा प्लस का कितना 6 के, ये होगा और माइनस का कितना 6, ठीक है। अब बढ़ाएंगे दो दो के जोड़े, एक जोड़ा तो बढ़ गया ये और एक जोड़ा बढ़ गया ये, बताओ इस जोड़े में से क्या समान है, ये आ गया कॉमन, कैसे के कट गया क्या बचा माइनस, कैसे के कट गया क्या बचा प्लस का क्या कॉमन आ गया छह, छह से छह कट गया क्या बचा माइनस, अब छह का भाग 102 में 17 बार कितनी बार जाएगा 17 × 102, आगे दोनों डिब्बे समान, एक ले लो दोनों में से k माइनस 17 और एक बार वाला k प्लस 6, आ गया ये हो गया आपका आंसर।